डियर स्टूडेंट्स, आज के स्पीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम बुक सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 54, 51, 48 एंड सो मेनी टर्म्स बी टेकन सो दैट द सम इज 513। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डबल आंसर। तो क्वेश्चन में देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एक एपी दे रखी है और बोला गया है कि इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाए जिससे कि उनका सम कितना हो जाए, 513 हो जाए, ठीक है। और साथ में जो आंसर हम लोगों को दो दो मिलते हैं उसका रीजन क्या है, ये भी हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एपी दे रखी है एक बार इसको लिख लेते हैं। तो एपी भाई हम लोगों को यहाँ पर दे रखी है, पहला टर्म हम लोगों को दिया है 54, फिर उसके बाद 51 अगला टर्म है, देन 48 और इसी तरीके के बहुत सारे टर्म्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, जब इस एपी को हम लोग देख रहे हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म हम लोगों को मिलता है कितना, 54। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो 51 में से हम लोग 54 को माइनस कर रहे हैं, तो जब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, -3। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, -3, और फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या है, 54 है, ठीक है। अब हम लोगों को पता करना है कि इस एपी में कितने टर्म्स लिए जाए जिससे कि इनका सम कितना हो जाए, 513 हो जाए। तो इस चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट बी टेक एन टर्म सो दैट दी सम बी 513। तो मान लिया कि इस एपी के हम लोग एन टर्म्स लेते हैं जिनका के सम कितना होगा, 513। तो जब हम लोग एन टर्म्स लेने की बात कर रहे हैं और उनके सम की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसी चीज को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, एस एन लिख सकते हैं। सो एस एन मस्ट बी इक्वल टू 513। और अब जरा बताइए एस एन का एक्सपेंशन क्या होता है, भाई इसका एक्सपेंशन होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस फिर n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू 513। और जस्ट हम लोगों को अब क्या करना है, देखो हम लोगों के पास में a की वैल्यू है, हम लोगों के पास में d की वैल्यू है, जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो n तो हम लोगों को फाइंड करना है, इसको एज इट इज लेकर चलिए, 2a है 2 लिखिए और a की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इंटू में 54, ठीक है। प्लस का साइन रखिए, एन हम लोगों को फाइंड करना है एज इट इज लेकर चलिए, और डी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं -3, ब्रैकेट करते हैं क्लोज और इस साइड में क्या है, 513, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एन अपॉन टू है तो अपॉन में जो टू है ना इसको हम लोग कर रहे हैं ट्रांसपोज। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो टू मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 513 के साथ में, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अंतर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n को तो देखिए बाहर ही खड़ा रखिए और 2 इंटू 54 करेंगे तो बन जाएगा 108, ठीक है। माइनस 3 का जब मल्टीप्लाई हम लोग इस ब्रैकेट में अंदर n के साथ करेंगे तो बन जाएगा -3n, वही -3 का मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो बन जाएगा +3, क्लियर। दिस इक्वल टू 513 और जब 2 ट्रांसपोज हो गया तो मल्टीप्लाई करेगा तो 513 इंटू 2 लिख देते हैं इसको, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 108 प्लस 3 तो ये बन गया 111 -3n और इस साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन गया 1026। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं। अब n ब्रैकेट के बाहर है तो n को भी अंदर भेजते हैं, जब n का मल्टीप्लाई 111 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, 111n, n का मल्टीप्लाई -3n में करेंगे तो ये बन गया -3n² एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है, 1026 है। आई थिंक बात यहां तक क्लियर है। अब हम लोगों को देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये क्या है, नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव है तो हम लोग क्या करें, इस टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दें, साथ ही इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, राइट। तो जब इस टर्म को इधर लेके आएंगे हम लोग तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको सबसे पहले लिख देते हैं तो 3n². इस टर्म को भी हम लोग इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -111n और ये टर्म अपने ही प्लेस पर है तो इसको एज इट इज रखिए, +1026 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं सब 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस टर्म को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तब n², इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 111 को 3 से तो ये बन जाएगा 37n, ठीक है। प्लस का साइन रखिए, 3 से जब हम लोग इसको डिवाइड करें 10 को तो 3 3 जा 9, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 एंड दिस इक्वल टू 0।
और अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो कैसी फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म में है, ठीक है। और जब ऐसी फॉर्म में होती है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है फैक्टराइज करने का, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। और मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करना होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, एन स्क्वायर का कोफिशियंट। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 342। तो कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म का जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या निकल के आया, प्रोडक्ट निकल के आया 342। और अब हम लोग इस 342 को फैक्टराइज करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल कर आता है 2 × 3 × 3 × 19। अब हमें क्या करना होता है, इन प्राइम फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने होते हैं, सच दैट, देखिए प्रोडक्ट कैसा था, प्रोडक्ट पॉजिटिव था, सच दैट कि दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 37 आना चाहिए। इस साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 37। तो भाई हम लोगों को एक फैक्टर मिलता है 3 × 3 × 2 का मतलब 18, दूसरा फैक्टर हम लोगों को मिल जाता है 19, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा ना 37। और अब अगर इस इक्वेशन में एन से मल्टीप्लाई कर दें तो 18n + 19n = 37n, मतलब 37n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18n + 19n लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म क्या है, एन स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज रखिए और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, और हम लोग किसको स्प्लिट कर रहे हैं, 37n को, और इसको क्या लिख सकते हैं, 18n + 19n, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, और बाद में क्या है 342, एंड दिस इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये बन गया एन स्क्वायर, माइनस साइन की वजह से नेगेटिव हो गया, माइनस का 18n, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 19n प्लस का 342, एंड दिस इक्वल टू 0। अब एन दोनों टर्म्स में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या रहेगा, n - 18। बिल्कुल इसी तरीके से इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, माइनस का 19। और जब हम लोगों ने -19 कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर ब्रैकेट में, एन, और इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 18, एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, n - 18 यहाँ भी है, n - 18 यहाँ भी है। तो क्या किया हम लोगों ने, n - 18 कॉमन लिया, तब बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में, n - 19, एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 0, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तब हम लोग कह सकते हैं या तो n - 18 की वैल्यू 0 है या फिर n - 19 की वैल्यू 0 है। अगर n - 18 0 है तो इसका मतलब n की वैल्यू तब क्या निकल आई, 18 निकल कर आ जाती है, और अगर n - 19 की वैल्यू 0 है तब यहाँ से n की वैल्यू 19 निकल आती है। अब देखिए n की हम लोगों के सामने दो वैल्यूज निकल कर आ जाती है, और इन दो वैल्यूज के आने का रीजन क्या है उसको समझने के लिए हम लोग निकालते हैं इस एपी का 18th टर्म, और एपी के 18th टर्म को किससे दिखाते हैं, ए 18 से, और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस 17d। ए की वैल्यू जानते हैं, डी की वैल्यू जानते हैं, पुट कर देते हैं, तो ए की जगह पर रखा हम लोगों ने 54 और डी की जगह पर -3, तो यहां पर रखा 54 प्लस 17 और डी की जगह पर रख दिया माइनस का 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 54 एज इट इज रखा और 17 × -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 51, और 54 में से 51 माइनस कर दे तो क्या मिला, 3। इसका मतलब इस एपी का जो 18th टर्म है वो क्या है, 3 है। अब निकालते हैं इस एपी का 19th टर्म, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ए प्लस 18d, और ए की जगह पर रख दिया 54 प्लस 18 है और डी की जगह पर माइनस का 3। सो 54 18 × -3 कितना हो गया, माइनस का 54, और 54 में से 54 को माइनस करें तो क्या आया, 0। मतलब इस एपी का जो 19th टर्म है वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस एपी के फर्स्ट 18 टर्म्स तक टर्म्स कंसीडर करें और उनका सम निकालें तो सम कितना निकल के आएगा, 513 निकल के आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 18 टर्म्स का सम 513 है, और अगर हम लोग फर्स्ट 19 टर्म कंसीडर कर ले तो देखो 19th टर्म है क्या, 0 है ना, मतलब 513 में हम लोग 0 प्लस करेंगे तब भी रिजल्ट क्या रहेगा, 513 ही रहेगा ना, यही रीजन है, क्योंकि 19th टर्म इस एपी का क्या है, 0 है, जो कि सम पर कोई असर नहीं डालेगा। तो चाहे हम लोग इस एपी के फर्स्ट 18 टर्म्स कंसीडर करें या फिर इस एपी के फर्स्ट 19 टर्म्स कंसीडर करें, रिजल्ट 513 ही रहने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं बस।
सिंस द 19th टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, सो द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स और द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स विल बी सेम, ठीक है। और यही रीजन है डबल आंसर का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चन के लिए प्ले लिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।